हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ गार्नियर कलर नेचुरल्स क्रीम हेयर कलर का जो शेड नंबर है 4, और नंबर 4 है इसका नेम है नेचुरल ब्राउन। सो इसका क्विक रिव्यू दूंगी और ये शेड आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। यहाँ पे आप देख रहे हो 4 नंबर है इसका और इसका नेम है नेचुरल ब्राउन। सो इसकी पैकिंग कुछ देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी भी इसका शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, रिव्यू भी शेयर किया हुआ है और इसका शेड कार्ड भी शेयर किया हुआ है। अगर आपको फुल डिटेल में जाना है वो उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। आज से क्विक सा ओवरव्यू कर लेते हैं। इसकी पैकिंग आपको दिख रही है और इसकी पैकिंग पे ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको इसको यूज़ कैसे करना है, फर्स्ट टाइम कोई कर रहा है तो इसको ज़रूर पढ़ ले। सारी इंस्ट्रक्शंस बैक पे आपको दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर को बनाना कैसे, अप्लाई कैसे करना है और उसके बाद उसको वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसी बॉक्स के ऊपर ही आपको गाइडलाइन दी गई है कि किस तरह का आपका कलर होगा तो किस तरह का आपको कलर मिलेगा। तो ये भी आप अपने हेयर कलर को देख के यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर इसकी प्राइस है 649 रुपीज़ इसकी प्राइस है और एक्सपायरी डेट भी इधर लिखी हुई है। ख़रीदने से पहले इसको आप चेक कर लें। इसको अगर आप एक बार आप खोल लेते हो तो 18 मंथ के अंदर अंदर आपको इसको यूज़ करना है। अगर किसी का रह जाता है, किसी के शॉर्ट लेंथ हेयर है, हाफ़ यूज़ करते हैं तो 18 खोलने के बाद 18 मंथ के अंदर अंदर आपको यूज़ करना है। यहाँ पे इसका कलर 4 नेचुरल ब्राउन, अगेन सब प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है। अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें मिलेगा आपको, ये है सबसे पहले डेवलपर क्रीम और ये 60 ml का है गार्नियर कलर नेचुरल्स। और इसके बाद आपको इसमें मिलेगा ये ट्यूब, इसमें है कलर, हेयर कलर क्रीम है और ये 40 ml की है। तो टोटल ये 100 ml बनेगा। यूजुअली कलर आप बाय करते हो तो एक इक्वल अमाउंट में होता है, लेकिन इनका 40 और 60 ml है और साथ में आपको ग्लव्स मिल रहे हैं और साथ में आपको ये कंडीशनर मिल रहा है, आफ्टर केयर कंडीशनर बॉक्स में आपको मिलेगा। इससे हेयर कलर अप्लाई करने के बाद आप जब वॉश करें तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में बुकलेट है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आप इसको कह सकते हो। इसको आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ज़रूर पढ़ें, इसमें सारी डिटेल में इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। तो मैं आपको ज़रा वैसे बता देती हूँ कि कैसे आपको कलर बनाना होता है और किस तरह अप्लाई वगैरह करना होता है। गाइडलाइन थोड़ी सी आपको दे देती हूँ, नहीं तो आप मेरी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत सी वीडियोज़ शेयर की हैं। और ये भी बता दूँ कि केमिकल प्रोसेस होता है तो आपको इसको एहतियात से करना चाहिए। इसका टेस्ट आप ज़रूर कर लें, उसके बाद आप इसको हेयर कलरिंग की तरफ आए, टेस्ट कर लें आप एक बार, थोड़ा सा कलर बना के लगा के पैच टेस्ट आप ज़रूर करें। मैं करती रहती हूँ तो मैंने क्रीम डेवलपर और जो है हेयर कलर है दोनों को मिक्स करके कलर बना के तकरीबन घंटा अपने हेयर्स पे रख के उसको वॉश कर लिया। और यहाँ पे आप इसका रिज़ल्ट देख रहे हो कि किस तरह का ये कलर आएगा। ट्रीटेड हेयर्स पे किया था और 10% जो था वाइट हेयर्स थे। यहाँ पे आप देख रहे हो कलर बहुत ही खूबसूरत आया है, लग रहा है कि जैसे स्ट्रीक्स आपने स्ट्रिक्स का इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो और कवरेज भी इसके ऊपर लिखा हुआ 100% करता है, तो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, कवरेज तो ये देता है। लेकिन मकसद आपको नेचुरल जो ब्राउन शेड था 4 नंबर वो दिखाने का, तो कुछ इस तरह से आएगा ये 4 नंबर जो है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ट्रीटेड हेयर्स थे और वाइट भी थे तो कलर सही तरीके से अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए आपको बीच में डार्क हेयर्स भी नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा इशू आता है। लेकिन ब्राउन कलर आपको नज़र आ रहा होगा जो मेन मकसद था आपको दिखाना। होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।